नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि आप इंग्लिश सेक्शन किस तरह अप्रोच करें अगर आप SSC CGL या बैंक PO या UPPCL का एग्ज़ाम जो कि अब होने वाला है उसके लिए किस तरीके से अप्रोच करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। यकीन मानिए इंग्लिश जो है वो ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप बैंक PO का एग्ज़ाम देते हैं, प्री होता है इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स, तो जो होता है मैथ्स और रीजनिंग जो होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन इंग्लिश जो है वो आपकी पूरी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो आप जो भी 30 मार्क्स का आता है उसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। और ये मेरा मानना है, जैसे कि मैंने पेपर देखा है, कि SSC CGL की इंग्लिश जो है बैंक PO से थोड़ा ईजी आती है, और बाकी सारे एग्ज़ाम्स में बैंक PO में जो इंग्लिश आती है वो थोड़ी हाई लेवल की आती है और बाकी एग्ज़ाम्स में थोड़ी इंग्लिश लो लेवल की आती है। और अप्रोच कैसे करना है इंग्लिश को, इसके लिए सबसे बेस्ट मंत्र जो होता है वो ये होता है कि आप जो भी एक न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें, ठीक है, कोशिश करें द हिंदू पढ़ने की, द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ने की। उससे क्या होगा कि आपको, ठीक है, शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में शायद आपको ज़्यादा टाइम भी लग जाए, 3 से 4 घंटे लग जाएं, लेकिन आप कोशिश करिए और उनकी जो भी वर्ड मीनिंग्स आती हों उनको नोट कर लीजिए, ठीक, और उनको जो है लिखते रहिए। एक जो है आप, अगर आप कंप्यूटर में फैमिलियर हैं तो वर्ड पे नोट करते रहिए, या फिर कॉपी पेन, पेपर पेन बेस्ड है उस पर भी आप लिखते रहिए, ठीक है। आप ये करते रहेंगे तो शुरुआत में आपको काफ़ी बोरिंग काम लगेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना वो भी काफ़ी, मतलब कि 3-4 घंटे में पढ़ना तो कोई कह सजेस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप शुरुआत में करिए, महीना 2 महीना बीतेगा कि आपको इतनी कमांड हो जाएगी, और जो भी आप लिखें ना रोज़ जो वर्ड मीनिंग्स, यकीन माने मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया तो आज काफ़ी अच्छी वर्ड मीनिंग है, ठीक है, मेरी 3000 वर्ड्स अप्रॉक्स मुझे याद है, ठीक है। तो यकीन माने इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और मैंने तो एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया था जिसमें कि वो कैब मैंने फ़िट किया था, अब शायद वो विंडोज़ 10 में नहीं चलता है, विंडोज़ 7 में चल रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है था कि आप बैकएंड में मैंने पूरी डिक्शनरी जो मैंने वर्ड्स याद किए थे वो डाले थे, और वो जो आपका जो GUI दिखता है, इंटरफेस जो सामने दिखता है इनपुट में, वो एक एक करके आपके पास सामने आता जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, ठीक। तो उससे मैंने ये डेवलप किया था तो मुझे काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ था, ठीक। तो बस मेरा यही मानना है कि आप अगर आप रोज़ द हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है, और द न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए कोई भी, उन्हीं से ही पैसे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है बैंक PO या SSC CGL उन्हीं से ही आते हैं, द हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक टाइम्स है, इन्हीं में ही कोई एक एडिटोरियल ले लेते हैं, कोई आर्टिकल ले लेते हैं, उन्हीं से ही आपको दे देते हैं, और वर्ल्ड मीनिंग्स वहीं से ही आ जाती हैं। और एक बार वर्ल्ड मीनिंग्स आ गई तो आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ गए, रूल्स भी आ गए। रूल्स एक बार आप पढ़ लीजिए, कोशिश करें जो भी रूल्स इंग्लिश के होते हैं उनको रोज़ रिवाइज करते रहिए, तो ताकि जब आप द हिंदू पढ़ें तो उसमें ये देखें कि इसमें क्या रूल लगा हुआ है और ये मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से आप अगर अप्रोच करेंगे तो बहुत आसानी से जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। फिर उसके साथ ही साथ जो मेरे पास कुछ बुक्स हैं, PDFs हैं जो मैंने यूज़ करी थी, ठीक है, मैंने कुछ लोगों को भी सजेस्ट किया, तो वो है जैसे कि जो फ्रेजल वर्ब्स के लिए जो एक PDF है, ये काफ़ी अच्छी PDF है, काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो इस PDF को अगर आपको याद हो जाए, हालांकि 139 पेजेस की है तो कोई याद नहीं करता है, मोस्टली लोग हैं कुछ ही पेज याद करते हैं, ज़्यादा से 50 पेज इसके बाद छोड़ देते हैं। तो जिसने पूरी याद कर ली तो उसको एक बार फिर फ्रेजल वर्ब्स जो है कहीं भी उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सारी फ्रेजल वर्ब इसी में ही और आसानी से याद हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है ईडियम्स और फ्रेजेस कैसे याद करें। तो देखिए ईडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं वो उन हर ईडियम्स और फ्रेजेस का कोई भी एक मीनिंग होता है, जैसे कि अकेलीस पॉइंट हुआ, बुल इन द चाइना शॉप हुआ, तो इन सब का एक जो है उत्पत्ति होती है कि ये कहाँ से आए हैं ईडियम्स, ठीक है। तो वो आप कोशिश करिए उनको जानने की, क्योंकि अगर आप वो जान लेंगे तो आप आसानी से जो है टैकल कर सकते हैं उन किसी भी उसको, मतलब कि किसी भी ईडियम्स को आप आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक बुक है मेरे पास स्पॉट द एरर्स की, ये स्पॉट द एरर्स अगर आपने कर ली तो आपके फिर कोई भी एरर्स जो हैं छूटेंगे नहीं।
तो इसमें क्या है कि एरर्स जो हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, मान लो आपने आर्टिकल्स पढ़ा, तो आर्टिकल्स से रिलेटेड सारी एरर्स एक साथ दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद आंसर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, ठीक। फिर इसके बाद जो भी आप टेंसेस पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग सारी एरर्स आ गई। तो ऐसा क्या होता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें उसके बाद उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसा क्या, आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपको नॉलेज भी अच्छा गेन हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये एरर्स की सबसे अच्छी बुक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं शेयर कर दूंगा इसकी PDF, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है जो मैंने खुद तैयार करी थी, ठीक है। तो वो ये थी कि जैसे कि मैं पढ़ता था तो तब मैंने PDF ये वर्ड तैयार किया था। तो मैं कोई वर्ड होता था उसकी एक इमेज लिख लेता था। होता क्या कि इमेज जो इंसान का जो दिमाग है वो इमेज ज़्यादा कैप्चर करता है, ना कि वो थ्योरी। वो इमेज में अगर कोई भी चीज़ एक बार दिख जाएगा तो जल्दी याद कर लेगा, थ्योरी उसको बताएंगे तो कम याद होगा, ठीक है। इमेजेस और वीडियोस ज़्यादा याद है। इसमें मैंने काफ़ी इमेजेस अलग अलग गूगल में सर्च कर करके निकाली थी, और मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा, इसलिए अलग अलग वेबसाइट्स की हैं। तो ये काफ़ी ये तरीका बहुत अच्छा होता है अगर आप भी कहें। हाँ, मैं मेल कर सकता हूँ, आप मेल जिनको भी चाहिए मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उनके फाइल जो है भेज दूँगा। 36 पेजेस हैं इस टोटल इसमें, ठीक है। काफ़ी बड़ी है, मैंने हर जगह से उठा के इसको कॉपी पेस्ट किया है, मेरे खुद की नहीं, गूगल सर्च जो इमेजेस हैं उसमें है, क्योंकि ये इमेजेस जो है अलाउड नहीं है यूज़ करना, लेकिन ये तो मेरे खुद के पर्सनल पर्पस है तो इसलिए मैंने इनको यूज़ कर लिया था, ठीक। तो इतना ही है इसमें, और बाकी जो बचा है एक इंग्लिश ग्रामर की बुक है जो काफ़ी अच्छी मुझे लगी है, कोई फॉरेन राइटर की है। इसमें भी अच्छी चीज़ें दी हैं, जो भी आपको मतलब कॉन्सेप्ट दिए गए हैं इंग्लिश के उसके बारे में, फिर एक एक्सरसाइज भी दी गई है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा है, इसमें अच्छी तरह लिखा गया है, अच्छी तरह समझाया गया है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए और शायद किसी तरीके से आपकी हेल्प हो जाए, मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, और बस यही कहना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए तो आप अच्छी तरह स्कोर कर सकते हैं, इनको पढ़ लीजिए। बाकी इंग्लिश में ऐसा कुछ होता नहीं है। द हिंदू ज़रूर पढ़िए और कोशिश करिए, जो जैसे कि मैं पढ़ता था तो मैंने द हिंदू सब्सक्रिप्शन ले रखा था, जो उनका 2 मंथ्स का आता है, 300 का। तो उससे क्या होता है कि ठीक है, आपके 300 रुपये जाएंगे 2 महीने में, आप जो है बाहर दोस्तों के साथ जाएंगे वहाँ खर्च कर दोगे आप 300 रुपये। लेकिन आदमी सोचता है कि नहीं, द हिंदू का ऑनलाइन पेपर हम लेके क्यों खर्च करें। ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें नॉलेज होती है, आपको देखें असर आएगा, क्योंकि आप अगर ऐसे पढ़ोगे ना द हिंदू तो आप उसमें समझ नहीं आएगा आपको। तो अपना अपना व्यू है, मुझे नहीं अच्छा लगता था तो मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया। ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है कि द हिंदू मुझे कमीशन दे रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने सजेशन दे दिया आप लोगों को। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, और कोई डाउट हो तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।